ऐसा कहा क्या उसने तुमसे? सच में जान दे देगा क्या? हाँ, ए रसूल, तू अपनी जान देगा, ये सच है क्या? हाँ, अगर प्यार करने से मना किया ना तो यहीं से दौड़कर नदी में डूबकर जान दे दूंगा अपनी। हाँ हाँ, बहुत बड़ा कबीर है तू, जान दे देगा जान। ए, हमारे रसूल और उस कबीर में नाप तोल क्यों कर रही है तू? कहीं तुझे प्यार तो नहीं हो गया है उस जादू टोने वाले से? क्या कहा? जादू टोना करने वाला? मतलब वो जादू टोना करता है? हाँ, फिर? मेरे अब्बू कहते हैं कि कबीर मतलब बहुत हिम्मत वाला, और तू कह रही है कि जादू टोना ये सब करता है वो? जादू टोना नहीं तो और क्या करेगा वो? परसों ही उसे सजा मिली थी, पता नहीं है क्या तुझे? क्या बोलती हो? हा? प्यार के लिए हाँ कहती हो? नहीं, हाँ नहीं कहती, लेकिन मेरी एक शर्त है। ऐसी क्या शर्त है तुम्हारी? बताती हूँ, सुनो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूँ तो तुम अपने पैर में पत्थर बांध कर गंगा में कूदो। मतलब मैं अपनी जान गंवा दूँ क्या? मैं आती हूँ रुई। अल्लाह कबीरा, बेटा कबीरा। कबीरा बेटा, मेरा बच्चा कबीरा, आओ भाई साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आप पिछली बार ही आएंगे मैंने ऐसा सोचा था। बेटे को घर छोड़े 3 हफ्ते हो गए मैंने सुना है, इसीलिए भाभी की तबीयत खराब हो गई है। क्या कह रहे हो हकीम साहब, इसकी हालत बहुत खराब है, इसीलिए आपके पास लेकर आया। आपने आने में बहुत देर कर दी, अगर पहले आ गए होते तो इसका इलाज बता देता मैं। पहले इलाज बता देते मतलब? अब इलाज नहीं हो सकता? नहीं नूर भाई, इसके लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मेरे पास ही क्या, इस दुनिया में कोई हकीम इसका इलाज नहीं कर पाएगा। लेकिन एक लड़का है जो इसका इलाज जानता है, वही आपको दवा दे सकता है। कहाँ रहता है, कौन सा हकीम है? और कौन है? आपका बेटा कबीरा। कौन कबीरा की बात कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, हम उसे ढूंढ रहे हैं, 3 हफ्ते से घर नहीं आया। यहाँ ढूंढोगे तो कैसे मिलेगा? अरे वो तो हिमालय में है। हिमालय में? वहाँ क्या कर रहा है वो? वो किसी साधु संत के साथ झगड़ा कर रहा था। अम्मी आराम से, आराम से। हिमा, कैसा है तू कबीरा? कबीरा, तेरे लिए मैंने जिंदगी में बहुत कुछ हारा है। जो नहीं चाहिए उसके लिए क्यों तड़प रहा है? छोड़ दे, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। बेटा तू मेरी बात मान, कपड़ों का धंधा करके तू शांति से जी ले बेटा। अच्छा बुरा सब अल्लाह देखेगा, सब उस पर छोड़ दे। अल्लाह ने अम्मी को कितनी अद्भुत तरीके से बनाया है, उस चांद में तूने कैसी दुआ भर दी है। दिन रात मेरी ही चिंता करती है अम्मी, तू अगर तड़प रही है तो उस तड़प में भी मेरा ख्याल रखती है। अगर जोर से हवा आए तो बेटे को कुछ भी ना हो, इसीलिए तू उस पर अपना पल्लू रखती है। तेरे अंदर जो है एक प्यार नाम की रोशनी है जिसे कोई हवा नहीं बुझा सकती, और उस रोशनी में ही मैंने हिम्मत रख कर कदम रखा। कबीरा मेरा बच्चा।
लगता है गुरुजी पिछले हादसे को भूल गए हैं। उपन्यास करते समय आप टेढ़ी भाषा में बात करते हैं। संस्कृत को नीचा दिखाकर आप देव भाषा का अपमान कर रहे हैं। मैं लोगों के साथ उनको जो समझ आए उस भाषा में बात करता हूं, जो बोलता हूं वो समझ आता है, उनके दिल को छूता है। उस दिल में रहने वाले प्रेम रूपी राम तक पहुंचता है। धर्माधिकारी जी, सारे धर्म का रक्षण ही शुद्ध अंतःकरण है, शुद्ध आचरण है, और सबसे ज्यादा जरूरी है भगवान से प्यार। आपकी बातों में वो प्यार नजर नहीं आता है। अरे मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। सही कह रहा हूँ। ये राजा, बसीर, सेना, क्या बात है, चेहरे पे इतनी खुशी? मिल गया यार, मुझे मिल गया। अरे भाई, ऐसा क्या मिल गया तुम्हें? हमें भी बता कबीरा, क्या ढूंढ रहा है तू? गुरु मिल गए। मैं जिस गुरु को ढूंढ रहा था वो मिल गए। वेद शब्द के दो अक्षर हम सबकी आंखें बंद किए हुए हैं, इसलिए अमीर और गरीब भेदभाव है, छोटा और बड़ा भेदभाव है, मैं और तू कहने वाला भी भेदभाव है। जब तक मैं ही रहूंगा, तू ही रहेगा, तब तक ये भेद ही हमें बचाएगा। मैं तुम हूं इस बात की दीवार को पार करके तू और मैं एक ही हैं, ऐसा भाव आना चाहिए। यहां पर किसी को भी देना नहीं है और किसी को भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं। अगर देना ही है तो प्यार दो, और मांगना ही है तो प्यार मांगो, क्योंकि प्यार जो होता है वो आनंद है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। अरे कबीरा, ऐसे भागते हुए कहाँ जा रहे हो? गुरुजी से पास जाके बात करनी है क्या? हाँ। तो पंचगंगा घाट पे एकदम सुबह सुबह चले जाना, वहाँ कोई नहीं होगा, तब तुम बात कर सकते हो। चलना, बात करते हैं। हाँ। नहीं नहीं, रुक जा। कौन हो आप लोग? मैं कबीर हूँ। हाँ? और ये राजस है। नमस्ते स्वामी। क्या चाहिए था जी? वो दीक्षा चाहिए थी। ना दीक्षा है ना भिक्षा है, दीक्षा कृपा मोक्ष मुक्ति इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो सिर्फ एक ही चीज पता है, प्यार। मैं प्यार देता हूं और प्यार ही पाता हूं। कबीर, कबीर। ऐसा है तो वही दे दीजिए। स्वामी जी, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूं? आ जाओ बेटा। तुम वहां पर क्यों रुके हो? आ जाओ।